ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। बोर नहीं करना चाहती थी, फ्लाइट ही नहीं आ रही। लाइफ का फर्स्ट टाइम बस टिकट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आप सब कैसे हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं आपको डेली डेली का ब्लॉग दिखा के डेली रूटीन का बोर नहीं करना चाहती थी। तो आजकल ऐसा कुछ है नहीं, कहीं जाना आना नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, वो लोग अपने काम पर लगे हैं, हस्बैंड के भी काम स्टार्ट है, वो भी अपने पर लगे हुए हैं। तो आज था सैटरडे, आज सिद्रा का तो स्कूल है, बाकी इब्राहिम और अनाबिया का स्कूल नहीं है, तो वो लोग घर में थे। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं जा रही थी रेडी होने, और मुझे जाना है बाहर, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है, मैंने उसको एक बार बनवाया था, फिर उसके बाद फिर उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका कर्सर जो है वो गायब हो गया। तो अभी मैंने उसको दिया हुआ है, बनने के लिए दे दिया था। तो आज सैटरडे है, बासित घर में उनकी भी छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो चल के ले आते, करीब 10 दिन हो गए उसको दिए हुए, तो उसका भी कॉल आ रहा है कि आप आकर के ले लो। तो हम लोग आज जा रहे हैं उसको लेने के लिए, तो हमने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं, देखते हैं आज की ब्लॉग में आपको मैं क्या क्या दिखाऊंगी। तो मैं जा रही थी अभी रेडी होने के लिए, और एक चीज़, आज बासित की छुट्टी सैटरडे को थी, लेकिन उनको बाहर जाना है, तो बोले कि चलो जल्दी से लेकर के आ जाते हैं लैपटॉप, क्योंकि उनको आज शाम की फ़्लाइट है, तो उसके लिए उनको निकलना है एक वीक के लिए। तो अभी उनकी पैकिंग भी करनी है, तो अभी चलते हैं फटाफट से लैपटॉप लेते हैं। उसके लिए पहले मुझे रेडी होना है, और अनाबिया घर में ही रहेगी, अनाबिया और इब्राहिम घर में ही रहेंगे, तो आज वो इन्जॉय करेंगे टीवी। अभी हम आ जाएंगे, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, बस पास में ही है, तो जाना और आना है लैपटॉप लेकर के, उसके बाद पैकिंग करेंगे, और आज सैटरडे है, थोड़ा सा वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम को उनको निकलना है। तो फिर चलो, सुबह से लाइट गई हुई है, मालूम नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है, कि लाइट ही नहीं आ रही है, कि बॉटल देखिए सारी खाली है, बाकी काम हो चुका है। लाइट नहीं है, तो इसलिए मैंने यही वाला ड्रेस पहन लिया, क्योंकि इसको प्रेस नहीं करना है, आयरन नहीं करना होता है, तो इसलिए मैं इसको ही पहन लिया, और ये पहना, और इसके नीचे जीन्स पहनी है, और क्योंकि सारे कपड़े ज़्यादातर कॉटन के होते हैं, तो बिना आयरन के अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने लाइट से भी मेकअप किया है, सिर्फ लिपस्टिक हल्की सी लगाऊँगी मैं, और फिर निकलते हैं। तुम भी चल रहे हो? हाँ, पर ये जूते में मिट्टी लगी है। हाँ, तो बारिश का टाइम है, सब में मिट्टी लगेगी ही। बाय बाय। इब्राहिम, तुम घोड़े हो क्या? सीधे क्यों नहीं चलते हो, कूद कूद के क्यों चलते हो, साथ में क्यों जा रहे हो आज तुम? हाँ, बैठो, बैठो। 3-4 दिन से गाड़ी से गए नहीं हो, क्यों आगे खड़े, बीच में बैठा लो ना। इसकी लाइफ बता दो कितने दिन और है? अभी जब तक चल रहा चलेगा, अभी तो वो डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम आया था, वो तो हाँ, तब वो समझ गया, ये इम्पोस्टर होता है, पर बताता नहीं किसी को। चलो, उधर बारिश हो रही थी, और इधर देखो सूखा है, सारा बारिश ही नहीं हुई है, है ना? हाँ, एक जगह बारिश होती है, यहाँ पे बारिश हो रही है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है एकदम सूखा है। चलो, लिफ्ट भी आ गई, लाइट आ गई। कब आई? जंगलेटर? अरे वो क्या हुआ था, एमसीबी गिर गया था। एमसीबी गिरी थी? हाँ। हम लोग ने सुबह से चेक भी नहीं किया। तुम चलो, अच्छा हुआ, बताओ। हम लोग इतना परेशान थे कि पानी पानी नहीं है, बोतल भर दिया। हाँ, सारी बोतल भर दिया। लो चावल चढ़ा दें, खाने का टाइम हो गया। पानी नहीं था तो मैंने चावल चढ़ा करके नहीं गए थे, तो अभी चलो चावल चढ़ा दे रहे। अप्पी अभी तक नहीं आई स्कूल से? नहीं,
अभी तक नहीं आई। उसको कॉल करते हैं अभी, देखें कहाँ रहेगी। ये क्या आ के सीधा बिल्ली? हाँ, क्योंकि ये लेटी है ना। ये क्या है इनका, बस ये ऐसे फैली फैले लेटे रहते हैं। नहीं, मैंने इसको पकड़ा था, बताओ। अभी कपड़ा चेंज कर लिया, फ्रेश नहीं हुए हैं, मेकअप करके गई थी। धूप बहुत ज़्यादा, बहुत आवाज़ धीरे करो, बहुत तेज़ आवाज़ रहती है, कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता। तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, जब निकले ना तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, देखिए अभी भी आपको दिख रहा है, धूप इतनी ज़्यादा है। और आगे और बढ़े तो उधर बारिश हो रही है, तो मतलब आधे रास्ते में थोड़ा सा भीग गए, फिर आगे आए तो बारिश नहीं हो रही, और हमारे साइड में तो बिल्कुल तेज़ धूप निकली हुई है। तो एकदम अभी थोड़ी देर के बाद मुँह धुल लूँगी। और सिद्रा भी स्कूल से आई नहीं है, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो अभी उसको कॉल किया है, बस में है, आ रही है। काफ़ी जाम भी लगा, और उसी रास्ते पे गए थे तो हमें लगा कि वो आ गई होगी, उसका टाइम तो हो चुका है, आ गई होगी, अपनी फ्रेंड लोग के साथ आती है। तो आज उसकी फ्रेंड लोग नहीं गई थी, वो बोली कि वो लोग थी नहीं, तो मैं बस से आ रही हूँ, तो अभी आती ही होगी। चलो चावल देखें हो गया कि नहीं। वैसे लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है, लाइट सा है। मेरा ये कलर ख़त्म भी हो गया है, तो मैं जाऊँगी मार्केट, तो ये कलर का मैं ज़रूर लूँगी। बस चावल बॉयल हो जाए, सिद्रा आ जाए तो खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है। आज तो तुम्हारी छुट्टी है, सैटरडे एंजॉय कर रही हो, और आज ये भी पीछे पीछे हमारे लग गए थे, अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। और ये लोअर क्यों, ये लोअर मुंह पे क्यों रख, चलो ले जाके रखो। और ये अनाबिया आज अपनी छुट्टी में बैठ के क्या देख रही है, अनाबिया अपना फेवरेट कार्ट मूवी देख रही है, बारबी। इतनी बड़ी हो गई पर अभी भी ये बारबी वाली मूवी देखेगी, और प्रगति वर्मा देखती है, प्रगति वर्मा देखती है, फिर नहीं तो ये एकदम छोटे बच्चों वाला देखती है। ये कहाँ लेटे हो, मजा आ रहे, आ गई। पापा इसको लेने गए थे, पापा इसको ढूंढ रहे होंगे। कैसी लग रही है? काली। आए इतनी दूर से, इतना ट्रैफिक था, ऊपर सूलन कपड़ा पहन के गई थी। तो कल कितनी बारिश हुई, कितनी ठंडी थी, कल हुई थी बारिश, आज थोड़ी ना, आज कितनी गर्म है। और पता है अभी भी इतनी ठंडी लगती है उधर। अभी हम लैपटॉप लेने उधर ही गए थे, आए उधर ही से। कितने बजे? अभी तो आए थोड़ी 5 मिनट पहले। देखो मेरी लाइफ का पहला बस टिकट, लाइफ का फर्स्ट टाइम बस टिकट, वाओ। अब वो भी खुद से लाया होगा, क्या करोगी, इसको संभाल के रखोगी? हाँ, टीए बिल कटेगा ना। हाँ, सब टीए में लगाना। स्कूल वाले जब रिजल्ट देंगे तो उनके मुंह पे मारना, दो मेरे बिल, पहले इसको पास करो फिर रिजल्ट पास करना, रिजल्ट देना। कैसा रहा? कहाँ बस में, हाँ अच्छा था, इसी बस से सर्टिफिकेट मिल जाती है। जाओ फ्रेश हो, लैपटॉप भी आ गया बन के। हाँ, जाओ फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं। इधर खाना खा रही हो, जगह नहीं है ना, उधर वासिफ खाना खाने जा रहे हैं, लेट। और ये मेरी दहेज की प्लेट है, और मेरी शाम फेवरेट मूवी की खाने। करौंदा तो अच्छा लगता है यार, करौंदे की चटनी। खाना खा ले, खाना खाओ पहले, फोन जितनी, ऐसा नहीं है हम जितनी बार आ रहे हैं हमें फोन में ही दिख रही हो, सोच रही कि चोरी करेंगे और घर में पता नहीं चलेगा। चोरी की बात नहीं है, अचानक से कैमरा लगा, हम चौंक जाते हैं। हाँ, डर के कांपने लगती हो। इसकी पैकिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि इस बार वो झोला लेकर के जा रहे हैं, बैग नहीं लेकर के, ब्रीफकेस नहीं लेकर के जा रहे हैं, इसमें ही सामान रख लिया है, इजी रहता है उठाने में, कैरी करने में, फैशन लिया। और फैशन भी है, वाओ। अलग से लिया है, अभी इसका सेल लेना है। हाँ, ऐसे अभी तो काम कर रहा है कर्सर, लेकिन अगर नहीं काम करेगा तो इसको यूज करेंगे ना। हो गया। लेकिन अभी जब चल रहा है तो फिर कहाँ लगाया?
ये आ गया कर्सर, यही गायब हो गया था, यही ढूंढ ढूंढ के आ गया थे। अरे अपना पैसा नहीं दे देखे तो कितना बचाई हो, पॉकेट मनी में से निकले। ओ गॉड, इसमें तो कुछ ब्लू ब्लू सी नोट, अरे बाप रे, इतने तो पर्स में मेरे भी अब नहीं रहते। एक से हम ये पैसा, एक जमाना था हम ये पैसा 10th की स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि हम पैसा बचाएंगे, अम्मी जो हमें पैसा देती थी हम उसमें से 5 रुपए का खाते थे, बाकी का बचाते थे, तो बच बच के तब इतना सारा बना है वो। Best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Oh, yeah. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop a venom man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love, your love. चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। ऐसे करके मतलब 90s में जितने भी पॉप सिंगर आए हैं सारे 90s में आए। Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. खाने से बादाम खत्म होता है, ऐसा नहीं है, ये बिना बादाम खाए। ये मैं बिना बादाम खाया, और म्यूजिक मुझे पसंद है, मुझे किसी इतना पुराना पुराने सिंगर जिसने कौन कौन से गाने गाए, आदम हवा के जमाने तक के इनको गाने और सिंगर दोनों याद है। पापरासी Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. जा चुके एयरपोर्ट और बिल्ली लोग को भी खाना मैंने दे दिया है, और अब मैं जा रही हूँ बनाने डिनर, क्योंकि बासित खाना खा के तो गए नहीं, खाना बना हुआ था। तो बच्चे लोग भी कह रहे कि भाई इस टाइम पे दाल वाल नहीं खाएंगे, और वैसे भी मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, इस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा दाल का, तो मैंने उठा के वो सब फ्रिज में रख दिया। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने सैंडविच, तो मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविच, तो उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे सैंडविच बनाती हूँ आज मेरी स्टाइल में, देखिए। तो ये देखिए मैंने प्रिपरेशन कर ली है, और मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चॉप कर लिया है कैबेज, कैरेट, और ये है कैप्सिकम, अनियन, ये है, मैं वेजिटेबल थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि बच्चे लोग खा लें। और ये बॉयल चिकन क्या हुआ है, इसको बॉयल करके मैंने ऐसे पीसेस कर लिए हैं, और ये है चीज़, और ये है ओरिगानो, और ये है चिली फ्लेक्स, और ये मैं थोड़ा सा डालूंगी तीखे के लिए सेजवान चटनी, बटर, मेयोनीज, और केचप, नमक, और क्या चाहिए, हाँ, और ब्रेड, ब्रेड तो मैं भूल ही गई, और ब्रेड 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 सैंडविच बनाने जा रही हूँ, ब्रेड भूल गई। तो ये रहा ब्रेड, तो ये रही मेरी पूरी प्रिपरेशन। अब स्टार्ट करते हैं मैं अपनी सैंडविच बनाना, और मैं ग्रिल बनाऊंगी, जो कि ये मेरा ग्रिल है, इसके अंदर मैं रख के बनाऊंगी। तो चलो, तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया था, मैंने एक फ्राई पैन लिया और कढ़ाई ली है, और उसके अंदर मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया, और मैं इसके अंदर जो भी मेरी ये वेजी है, सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, और बाकी शिमला मिर्च है, स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ना, जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ तो थोड़ा सा उसको ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, उससे जो उसकी क्रश कच्चापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा डायरेक्ट भी डाल देते हैं, बट मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा तेल में डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाती, बस हल्का सा ही करने के बाद उसके अंदर मैंने सारी वेजी जब डाल दिया, उसके बाद जो मेरे पास ओरिगानो था और सेजवान चटनी थी और चिली फ्लेक्स था, वो सबको डाल करके अच्छे से मिला लिया, और गैस जो है ना मेरी धीरे थी, और लास्ट में मैं कैबेज डालती हूँ ताकि वो जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए कैबेज को थोड़ा सा लास्ट में ही डालते हैं, तो मैंने लास्ट में कैबेज डाला है। बस हल्का 2-3 मिनट के बाद ही मैंने सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद उसके अंदर जो चिकन था वो भी मिला दिया, और मिला के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और हाँ, नमक डालना भूल गई थी, तो नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, बहुत लाइट सा ही नमक डाला है,
और आप देख सकते हैं कि मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको साइड में रख दिया है। और जब ये ठंडा हो गया तब मैंने इसमें मेयोनीज़ और चीज़ को ऐड किया है, गरम में नहीं डालना है। जब ये ठंडा हो जाए तब आप डालिए। चलिए ये तो हो गया काम, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेड पे सॉस लगाने का काम। फिर यहाँ से हमारा जो है ना, मैंने ब्रेड पे पूरे अच्छे से सॉस को लगा लिया और ये देख सकते हैं कि आप जितने भी पीसेस हमारे थे, जितने खाने के थे, मैंने सारे पे लगा लिया। और उसके बाद मैंने जो मेरा वो ठंडा हो गया था बैटर, मैंने सब पे उसको अच्छे से रख के बराबर से मिला लिया और दोनों साइड में मैंने सॉस लगाया है। आप चाहे तो एक साइड में मेयोनीज भी लगा सकते हैं, बट दोनों साथ में मैंने सॉस लगाया और इस तरीके से उसको कवर कर दिया। कवर करके एक साइड में रख दिया है। अब देख सकते हैं कि ये जो मेरी वेजी थी ना वो बच गई थी, तो मैंने कहा कि चलो इसको रख देते हैं। और आप भी ऐसा कीजिए, अगर क्योंकि ये बनी हुई है ना तो ये कभी ख़राब नहीं होगी, तो कम से कम एक वीक आपका अच्छे से चल जाएगा। मैंने एयर टाइट में करके रख दिया है और आप देख सकते हैं कि फिर मेरी ग्रिल पे मैंने वो गर्म होने के लिए रख दिया था ग्रिल, और बटर लगा करके मैं उसके अंदर ऐसे पीसेस करके बटर लगा के रख दूँगी और ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है, जब तक वो ग्रिल हो रहा था तो मैंने कहा चलो सफाई भी कर लेते हैं, तो मैंने जो है किचन की अच्छे से सफाई भी कर ली और वो साइड में हो भी रहा था और किचन मेरा क्लीन भी हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ग्रिल देखिए, आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से जो है ये सैंडविच मेरा रेडी हो गया। तो मैंने कहा चलो गरम गरम जो है बच्चों को दे भी देते हैं। और आप देख सकते हैं कि चीज़ भी मेल्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब जाके देखते हैं कि बच्चे लोग खाएं और उन्हें कैसा लगता है, उनकी उनका रिव्यू लेते हैं कि उन्हें कैसा पसंद आया। तो बच्चे अभी खाएंगे फिर बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। और अनाबिया का तो ये फेवरेट है, देख करके ही मुँह बना लिया जीत सा। और ये सिद्रा खा रही है पहली बाइट और देखो क्या बोलती है। हाँ, इन लोगों को तो वैसे भी पसंद ही आता है, क्योंकि इन लोगों को तो ये सब जो है ना जंक फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उनके तो फेवरेट चीज़ है। बस इब्राहिम को पसंद नहीं है, देखते हैं इब्राहिम क्या खाता है। अगर खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए भी सेकेंड ऑप्शन है, खाना बचा हुआ है दिन का, तो उसमें से ही कुछ खिला देंगे उसको। और साथ ही साथ जो है यहाँ देखा जा रहा है टीवी के साथ कौन सा ये ठगेस, तो ठगेस के साथ जो है सैंडविच देख रहे हैं। तो मेरे घर में ना तो बस ऐसे ही चलता रहता है, एक साइड में टीवी के साथ खाना और ये। और यहाँ इब्राहिम जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। क्यों इब्राहिम, इब्राहिम गुस्सा है, गंदा है, गंदा है इस टाइम, गुस्सा है तो कह रहा गंदा है, अभी खाया भी नहीं है और कह रहा गंदा। अल्लाह, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग मुझे फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप तो बोलते हो ना हमेशा, चलो इस टाइम फिर से बोलो, फिर से बोलो, सब लोग को बोलो आप, प्लीज़ बोल दो इब्राहिम, बोल दो क्यों गुस्सा है। वो इनके मन की टीवी नहीं लगी है इसलिए ये गुस्सा है। इब्राहिम आप बोलते हो ना मेरे चैनल पे, आप बोलते हो ना, चलो बोलो एक बार, बोल दो प्लीज़, बोल दो। हाँ पहले बोल तो दो सबको।